celebrating 16 years of Young Turks. Welcome back. You're watching our special Diwali edition of Young Turks. Now, over the years, we've seen data prices collapse, smartphones have become a lot cheaper, but the big missing link is awareness. How can you actually use this internet and your smartphone to work for you? So this year, with our Diwali campaign, Gift a Dream, Young Turks took a small step towards plugging this gap by organizing a digital literacy camp for women from the Self-Employed Women's Association, or SEWA. SEWA is a first-of-its-kind trade union for women that was set up by Ila Bhatt in 1972 to empower working women in Ahmedabad. Since then, the organization has grown to empower lakhs of women across India. So 15 women from the Delhi chapter made it to the Samsung India headquarters in Gurgaon. And leading this session was Aseem Varsi, the Senior Vice President of the Mobile Division at Samsung. Take a look at what went on. नमस्ते 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 आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इधर सैमसंग में मेरे को बड़ी खुशी है सैमसंग की तरफ से आप सबका इधर वेलकम करने में तो मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग इधर आए अपना वक्त निकाल के और मुझे और ज़्यादा खुशी हुई ये जानकर ख़ास तौर से कि आप लोग सब अपने खुद के व्यवसाय में काम करती हैं अपने खुद के बिजनेसेस करती हैं ये बात सही है आप लोग क्या व्यवसाय में जुड़े हुए हैं क्या बिजनेस करते हैं आप लोग कोई भी आप बताएं ये माइक इधर रखा है नमस्ते सर मेरा नाम वंदना गुप्ता है मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी की शॉप करती हूँ अगर मैं पूछ सकूं आपसे कि आप ज्वेलरी के बारे में जानकारी क्या अच्छा है क्या नया है क्या हटके है क्या लोगों को पसंद आएगा कहाँ से मिल सकता है ये सब कहाँ से पता करती हैं सर ये पहले तो नहीं पता पहले मार्केट जाके ही मुझे सब कुछ पता करना पड़ता था मार्केट में काफी टाइम देना पड़ता था घूमना पड़ता था पूरा दिन फिर अब मेरे बेटे ने मुझे जब इंटरनेट का थोड़ा बताया और कुछ साइट्स निकाल के दी जिन पे उनकी पिक्स आती हैं आप बताएं मेरा नाम सावित्री बहन है और मैं रघुवीर नगर से हूँ फेरी का ही बर्तन एक्सचेंज करके पुराने कपड़ों का काम करते हैं हम नया बर्तन पुराना कपड़ा तो पहले तो हम कैसे गल गल घूमते थे अब ये फोन आने के बाद तो हमारा भी थोड़ी सहूलियत हो गई कैसी जैसे हम कोई भी अच्छी दीदी हो उनको फोन नंबर दे देते वो फिर हमको फोन करते हैं उसी जगह हम पहुंच जाते हैं व्यवहार भी बन जाते हैं उनके जरिए और लोगों से जैसे आपके पास गए फिर आपने चार और मैं राजीवनगर से आई हूँ सर मैं सिलाई का काम करती हूँ और आपने सीखा कैसे सेवा से सीखा सर सेवा से सीखा हाँ जी और सेवा ने जितना सिखाया है वो तो अच्छा है उसके आगे और कुछ खुद के लिए स्वयं कुछ नए स्किल्स या नए डिजाइन या नए हाँ सर जैसे बच्चे नेट चलाते हैं तो वो नेट से हमें बताते हैं डिजाइन दिखाते हैं जैसे आजकल के जनरेशन में डिजाइन अलग अलग गले का और करके सूट सलवार का तो वो डिजाइन दिखाते हैं तो उससे हम सिलते हैं वेरी गुड मैं कुछ अलग सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे आप लोग को इंटरनेट के बारे में आप लोगों की क्या सोच है या उसकी तरफ क्या समझ है कि इंटरनेट क्या है और इससे आप क्या प्राप्त कर सकते हैं जस्ट एक उदाहरण के लिए मेरे को समझना है जैसे हम कहीं पे भी जाते हैं तो इंटरनेट से जैसे हम अगर नए नए कहीं पे गए तो लोकेशन वगैरह पता चल जाती है और पहले मतलब कि अगर किसी की तबीयत वगैरह ख़राब हो या कुछ भी हो तो उसमें फ़ोन में पता चल जाता है कि हमारे आसपास के एरिया में कौन सा हॉस्पिटल है तो मेरे हस्बैंड पढ़े लिखे हैं मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ okay. तो उन्होंने मेरे को बोला कि एक फ़ोन लेते हैं सैमसंग का उसमें इंटरनेट पर डिजाइन देखेंगे और आप गले वगैरह के डिजाइन देखना और वैसे ही बना के आगे दिखाना तो आप कैसे किधर जाके देखती हैं ये कपड़े के डिज़ाइन कौन से इंटरनेट के साइट पर आपको मालूम है नहीं ये नहीं मेरे को पता आपके हस्बैंड बताते हैं हाँ जी वो मेरे को निकाल के दिखा देते हैं और अच्छा आप क्यों नहीं खुद खोजती आपको थोड़ा टेक्नोलॉजी के लिहाज से उसमें लिखने के लिहाज से या क्या दब जाएगा फोन में उसके लेके थोड़ी आशंका रहती है थोड़ी घबराहट रहती है हाँ जी जैसे मेरे से अच्छा मेरा बेटा जो 4th क्लास में पढ़ता है वो निकाल लेता है मगर मेरे को अभी ना थोड़ा सा वो परेशानी होती है कि जैसे मैं कोई गलत बटन दबा दूँ तो कुछ आगे से गलत ना हो जाए तो मैं आपको एक तरकीब बताऊंगा कि जब आप घर जाएंगी और आप अपने पति से और बेटे से मिलेंगी हाँ जी वो अचंभित रह जाएंगे मैं चाहूंगा आप लोग प्लीज नीचे बढ़ के उनको आपके इधर कुर्सी के पास रखा है आप ये फोन खोलिए इसका बैक कवर खोलना होगा दिखाएं आप जैसे ये है ना इनका बैक कवर यहाँ सामने कैमरा किधर इसमें ये दिया है तो ये खोलना पड़ेगा मैं
आप लोगों के हाथ में जो नया फोन है ना, ये है सैमसंग गैलेक्सी J7 नेक्स्ट। मैं चाह रहा था कि इंटरनेट की इतनी बातचीत तो हो गई, अब इंटरनेट को लेके थोड़ी काम करते हैं। तो आप में से काफी लोग शायद टेलरिंग या कपड़े की बनाई में हैं, ओके? और आप कह रही थी कि आपके पति, आपके बेटे आपको बताते हैं नए डिजाइन क्या है एंड ऑल। तो मैं आपको ट्रिक बता रहा था एक। अभी इधर आपके फोन में ये एक सर्च बार दिख रहा है, ये इंटरनेट में खोज करने का बार होता है ये, ओके? अब इसके दाहिनी तरफ एक माइक का चित्र है, दिख रहा है आपको? एक माइक का साइन बना हुआ है। ये माइक को दबाने से फोन के कान चलने लगते हैं, सुनने लगता है फोन, और फिर आप फोन से जो बोलेंगी वो फोन उसको इंटरप्रेट करके, उसकी खोज करके उसके रिजल्ट देता है। चलिए पूछते हैं, सलवार कमीज के नए डिजाइन। अब ये तस्वीरें आई और कुछ वीडियोस आए यूट्यूब पे, कैसे नए डिजाइन करेंगे, कैसे नए बनाएंगे, और नए नए अलग अलग इंटरनेट वेबसाइट्स, जैसे कि ये fashionlady.in है, 30 सलवार कमीज नेक डिजाइंस, 30 सलवार सूट के नेक के डिजाइंस हैं। ऐसे करते करते आपको कुछ नहीं लिखना पड़ा, आपने सिर्फ माइक पे दबाया और अपना सवाल पूछा और इंटरनेट ने आपको जवाब दिया। और आप इसकी इंटरनेट की सेटिंग भी हिंदी में कर सकते हैं, तो गूगल में सर्च आप करना चाहें तो हिंदी में कर सकते हैं या अपनी भाषा में कर सकते हैं, तो वो आपको उसके अनुसार, अपनी भाषा के अनुसार रिजल्ट्स देगा। और आपकी जो भी खोज है, आप स्वयं दिन में घर पे पति नहीं है, बच्चे स्कूल में हैं या काम पे हैं, जो भी है, आपको किसी पे निर्भर होने की जरूरत नहीं है। आपको परिवार में आजकल हवा में रोग चल रहे हैं, डेंगू चला हुआ है, चिकनगुनिया हो रहा है, आस पड़ोस में रिश्तेदारों में किसी को हो जा रहा है, होता होगा आप लोग, क्या तो उससे बचने के क्या क्या सुझाव हैं? चलिए वो भी इंटरनेट से, मिस्टर गूगल से पूछते हैं। चलिए, चिकनगुनिया से बचने के उपाय, और गूगल बाबा ने कई सारे वेबसाइट्स बताए और उसमें तरीके बताए कि कैसे कैसे चिकनगुनिया से बचना चाहिए। तो आजकल जो प्लान है वो बहुत महंगे आ रहे हैं, हम एक छोटे व्यवसाय से हैं तो हम उतने बड़े बड़े पैकेज नहीं यूज कर पाते, कोई 7 दिन का डलवाता है, कोई महीने का डलवाता है, कोई पर डे का डलवाता है, तो उसके लिए हमारे साथ क्या हो सकता है? इंडिया में आज, भारतवर्ष में जो मोबाइल के दर हैं, रेट्स हैं, सही मायनों में विश्व के सबसे कम दरों में हैं ये एक्चुअली। तो एक लिहाज से ये ऑलरेडी एक अच्छी बात है। सैमसंग ने अपनी तरफ से एक चीज जरूर करी, हम लोग ने 2 साल पहले एक फीचर ईजाद किया, उसका नाम है UDS, यानी कि अल्ट्रा डेटा सेविंग। अब इसके जरिए अगर आपने UDS ऑन किया तो तकरीबन 50% इंटरनेट की बचत हो सकती है। और ना केवल इंटरनेट की बचत, खर्चे की बचत, ना केवल खर्चे की बचत, बैटरी की बचत, तो हर लिहाज से बहुत अच्छा फीचर से सर। हाँ चलिए, थैंक यू वेरी मच। इंटरनेट की बचत के लिए सबसे अच्छा, मतलब हमारे काम का बहुत अच्छा फीचर। हमारा मकसद केवल एक था आज, कि हम लोग खुद स्वयं आपसे मिलके, एक तो आपसे मिल सकें, समझ सकें कि आप लोग क्या करते हैं और आपके जीवन में, आपके व्यवसाय में, आपके लाइफ में, घर में इंटरनेट का और स्मार्टफोन का क्या योगदान है, एक तो ये समझ पाना था, और दूसरा अपनी तरफ से खुद स्वयं आपको बताना कि इसकी कितनी अहमियत और बेहतरी है इससे। मेरे ख्याल से फोन तो सभी के पास होंगे, फीचर फोन्स तो होंगे अगर स्मार्टफोन नहीं भी हों। फीचर फोन से जब आप स्मार्टफोन पे आगे बढ़ेंगे और स्मार्टफोन का पूरा पूरा इस्तेमाल करेंगे, आप खुद एहसास करेंगे जब आप इस्तेमाल करना शुरू करेंगे कि इसमें और कितनी नई चीज़ें आप कर सकते हैं, ना केवल काम, पढ़ाई, सेहत, मज़ा। आपको वीडियो देखना है, टेलीविजन शो देखना है, बिजली नहीं आ रही, समय नहीं मिला, बाद में उसको देखना है जब सब घर से चले गए, अभी काम की फुर्सत मिली। तो खैर, बहुत तहे दिल से शुक्रिया और बहुत खुशी हुई कि आप लोग इधर आए, और शुक्रिया के साथ साथ दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको, आप सबको भी दिवाली मुबारक हो। मैं चाहूँगा और सैमसंग चाहेगा कि ये बात बातचीत में ना रह जाए, ये बात अब हरकत में आए, और इस करके ये फोन्स जो हैं ये आप लोगों के खुद के फोन्स हैं, ये आप लोग लेके जाएं और ये आप लोग जरूर इस्तेमाल करें, ये आपका फोन है, लीजिए, यू मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत अच्छा लगा।
if I talk about the one thing that they lack is ownership. Because one household has one smartphone. So, you know, if the husband goes out of the of like for work, so a woman does not have that phone, so she cannot actually use it for her purpose. But if she's given that thing and if she's nurtured, trained in that, then they really make good use of it. And I am sure, I'm 100% confident that, you know, they would make use of this, and that would help in adding on to their business, in enhancing their capacity and empowering them more. Well, the joy on their faces, that was priceless. We want to thank all our partners for turning this campaign into a reality. A special shout out to Vineet Nair and Aseem Varsi for your time, patience and empathy. It means a lot to all of us. With that, it is time for us to wrap up this episode of Young Turks. From all of us here on the team, here's wishing our entire community and our viewers a very happy, safe and prosperous Diwali. May the light of compassion shine on all of you. Celebrating 16 years of Young Turks.